वारिस पठान भी आते हैं, वो बोलते हैं कि भिवंडी शहर के लोगों ने वेस्ट को बर्बाद किया, मतलब जो नेता है उन्होंने बर्बाद किया, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। जबकि वो अगर विकास किए होते, काम किए होते बाईकल्ला में, तो उनको वहाँ से नहीं भगाया जाता। लेकिन फिर भी मैं इस सवाल पर आऊँगा कि वारिस पठान जब ये सुनने में आया भिवंडी शहर में रियाज भाई की वेस्ट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले, तब उनकी मीटिंग जो है आपके ईस्ट के समाजवादी के एमएलए रईस शेख के साथ में हुई थी, ये आपको पता है। और बहुत सारे कुछ लोग हैं जो ईस्ट में समाजवादी का काम कर रहे हैं रईस शेख के साथ में, लेकिन वेस्ट में आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा खुलासा करिए कि कैसे रियाज भाई, आपके बारे में बोला जाता है जो आपके अपोजिशन वाले वो लोग का कहना है कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करने से क्या आप मतलब एमएलए का इलेक्शन लड़ लोगे क्या? अपो जीतने के बाद मतलब कौन से ऐसे मुद्दे जो है आप देख रहे हैं जो करेंगे आप? वेस्ट में 5 कैंडिडेट हैं, महेश चौगले, विलास पाटिल आजाद से, आप है समाजवादी से, और क्या नाम है दयानंद चौधरी कांग्रेस पार्टी से, इंडिया लाइन ग्लोबल से, उससे है वारिस पठान। ये पांचों को जो है मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है। महेश चौगले के भी कुछ वोट बैंक्स है, विलास पाटिल के भी है, दयानंद चौधरी को भी इंडिया लाइन के नाम से वोट मिलेगा, आपको मिलेगा, वारिस पठान को मिलेगा, लेकिन हिंदू वोट कहीं ना कहीं आप लोगों को कम मिलेगा, ऐसा मतलब लोगों का मानना है। वारिस पठान पर आएंगे क्योंकि असद अवैसी साहब आकर गए, अकबर अवैसी साहब आकर गए, और आज जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आ रहे, तो इससे कितना फर्क पड़ सकता है आपको? महेश चौगले सिटिंग एमएलए रहे दो बार के, विलास पाटिल है, तो ये लोग के पास आपको पता है कि मतलब वोट बैंक इनका अच्छा खासा है, इनका भी वोट बैंक, तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट फिर भी डिवाइड होंगे और तीसरे को जो है वो आप? रियाज भाई, चुनाव को अभी कुछ दिन तो है, 2 से 4 दिन, हमारे कुछ सवाल होंगे या लोगों के और सवाल होंगे, कमेंट आएंगे वगैरह, तो हम फिर से आएंगे एक बार आपसे सवाल करने। लेकिन आखिर में, हाँ, ये पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं, आखिर में आप जनता को क्या मैसेज देंगे? रियाज भाई, विधानसभा इलेक्शन 2024 को महज 4 से 5 दिन वोटिंग के लिए बचे, हमको वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी कि आप जो है ये बताइए, मैं डायरेक्ट पहले मुद्दे पे आऊंगा कि जीतने के बाद मतलब कौन से ऐसे मुद्दे जो है आप देख रहे हैं कि जो करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। मुद्दे तो आपको मालूम है, बेसिक मुद्दे भी बचे हुए हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा। जो रोड्स के हैं, ड्रेन के हैं, वाटर के हैं, हेल्थ केयर के हैं, और एजुकेशन, ये 5 ही मुद्दे मेन है। बाकी एम्प्लॉयमेंट है, ट्रैफिक है, ड्रग्स है, यही सब मसले हैं। और क्या रियाज भाई, आपको नहीं लगता कि भिवंडी शहर जो है मतलब कई ऐसे नेता है जो टॉप 10 बोला जाता है कि वो जो है भिवंडी शहर में, उनके वजह से आज भिवंडी शहर इस हालत में है? बिल्कुल, टॉप 10 के अलावा मैं अपने आप को और सभी को इसे मलूस पाऊंगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई इन्हें चुनने में, क्योंकि एक कोई भी पॉलिटिशियन जिसको हम चुनते हैं उसको 5 साल तक के वो कोई काम नहीं करता, फिर वो इलेक्शन लड़ता है, फिर हम उसको चुन के देते हैं। ऐसे 2-3 दिन तब अगर वो काम नहीं करेगा और हम उसको चुन के देते रहेंगे तो वो काम क्यों करेगा? अगर मैं हूं, मुझे चुन के देंगे आप इंशाल्लाह, अगर या किसी और को चुन के दे, अगर वो काम नहीं करता, अगर वो काम नहीं करता तो इसको बिल्कुल बदल डालिए, नया चेहरा लाइए, नए लोग को लाइए, ताकि काम हो सके। रियाज भाई, फिर से विधानसभा इलेक्शन पर आएंगे, आपके सामने जो वेस्ट में 5 कैंडिडेट हैं, महेश चौगले, विलास पाटिल आजाद से, आप है समाजवादी से, और क्या नाम है दयानंद चौधरी कांग्रेस पार्टी से, इंडिया लाइन जो बोलते उससे है, वारिस पठान। ये पांचों को जो है मुस्लिम वोट डिवाइड हो रहा है। महेश चौगले के भी कुछ वोट बैंक्स है, विलास पाटिल के भी है, दयानंद चौधरी को भी इंडिया लाइन्स के नाम पे वोट मिलेगा, आपको मिलेगा, वारिस पठान को मिलेगा, लेकिन हिंदू वोट कहीं ना कहीं आप लोगों को कम मिलेगा, ऐसा मतलब लोगों का मानना है। सुनिए फॉर्म भाई, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से, महेश चौगले से, बाकी जो 3 कैंडिडेट है ना वो लाए हुए। अच्छा, पहले बताइए चौगले जी जो है उनका भिवंडी में क्या है? कुछ भी नहीं, 57% माराठी का इलाका है, उसमें कोई भी माराठी कैंडिडेट नहीं था जो बाहर से लाया, इसको कौन लाया? ये आप समझ सकते हैं ना, लाया गया, आया नहीं। MIM के वारिस पठान साहब है, वो आए नहीं, लाए गए। 2014 से इनका यही काम है, वोट कटुआ।
अब फिर थर्ड पार्टी आपके आते हैं विलास पटेल, आजाद का कोई तुक ही नहीं बनता। ये पप्पू यादव है, इन्होंने बहुत शहर के लिए काम किया है, सड़कें बना डाली, रोड चमचमा रहे हैं, गटरे बनी हुई जिसमें दूध बह रहे हैं, नल में भी दूध आ रहे हैं, एजुकेशन तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन का सिस्टम बना दिया, हॉस्पिटल तो समझे अमेरिकन हॉस्पिटल लेकर चले आए। क्या किया इन्होंने अपने 15-20 साल, जब भिवंडी वालों ने नहीं दिया यार, मेयर नहीं बनाया भिवंडी वालों ने, इनको मेयर भिवंडी के नगर सेवकों ने बनाया, भिवंडी वालों ने नहीं बनाया। हम लोग नगर सेवक चुन के देते हैं, ये 4 लेके आते हैं और 45 खरीदते हैं, ऐसा आदमी कैसे इलेक्शन लड़ रहे। इनकी हिम्मत की दो रहते हैं उसमें, आपके भी दो, मुझे नहीं पता भाई, तब मैं था नहीं पॉलिटिक्स में एक्टिव, जब मामला तो ऐसे रहे थे कि नहीं थे, मैं जब से पॉलिटिक्स में एक्टिव तब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं, रिवाइवल हुआ है बहुत सारी चीजें तो भी ये। और दूसरा एक बात और बताता चलो कि दो रहे तीन रहे, आप जो बात बोल रहे हो ना कि ठीक है, उसमें हमारी क्या गलती है कि जब ये लड़ने आते हैं, जिससे अभी लड़ रहे 15-20 साल लगा के सरकार बना के मेयर बन के लड़ने आए, इनकी हिम्मत की बात है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने नगर से वो खरीद के मेयर बन गए, पर इस बार वो थोड़ा सा भूल गए, उनको वोट नगर सेवक नहीं देने वाली, जनता देने वाली, इंशाल्लाह जनता 20 तारीख को जवाब दे। रियाज भाई वारिस पठान पर आएंगे, क्योंकि असद अवैसी साहब आकर गए, अकबर अवैसी साहब आकर गए, और आज जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आ रहे, तो इससे कितना फर्क पड़ सकता है आपको? देखिए ये दोनों जन आके गए, लोगों को फर्क पड़ा क्या आप बताइए? वोट पोलराइजेशन हुआ, इनका काम वोट पोलराइजेशन के लिए आते, ये फेल हो गए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब थोड़ा सा आपको भी मालूम, मुद्दे तो आपको मालूम है क्या किया, वोट बंटवारा किए, सीटें मुसलमानों के हराए इन्होंने, ये किया और क्या, नुमाइंदगी कम की इन्होंने। वारिस पठान पे आते हैं, वो बोलते हैं कि भिवंडी शहर के लोगों ने वेस्ट को बर्बाद किया, मतलब जो नेता है उन्होंने बर्बाद किया, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा, जबकि वो अगर विकास किए होते, काम किए होते बाइकल्ला में तो उनको वहां से नहीं भगाया जाता। लेकिन फिर भी मैं इस सवाल पर आऊंगा कि वारिस पठान, जब ये सुनने में आया भिवंडी शहर में रियाज भाई की वेस्ट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले, तब उनकी मीटिंग जो है आपके ईस्ट के समाजवादी के एमएलए रईस शेख के साथ में हुई थी, ये आपको पता है, और बहुत सारे कुछ लोग है जो ईस्ट में समाजवादी का काम कर रहे रईस शेख के साथ में, लेकिन वेस्ट में आपके खिलाफ काम कर रहे, इसके ऊपर थोड़ा खुलासा करिए कि ये कैसे हुआ। जो पार्टी खिलाफ एक्टिविटी करेंगे पार्टी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और उचित कार्रवाई करेगी, मुझे पूरा भरोसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी के ऊपर, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ऐसे लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ अच्छे फैसले अल्लाह ताला भी सुने। तो ये कहाँ से चल रही है, कहाँ से ये सब हो रहा है, इसके बारे में मुझे क्या मालूम, मैं तो अपने मेरे बात है, मैं पॉजिटिविटी पे एनर्जी वेस्ट अपना लगाता हूँ और वेस्ट नहीं करता यहाँ नेगेटिविटी पे एनर्जी, पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाता हूँ, कंस्ट्रक्टिव वर्क मेरा ज्यादा है, डिस्ट्रक्टिव वर्क मैं नहीं करता। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पे 2-2.5 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, कर रहा हूँ उसी पे लगा हुआ, मुझे क्या लेना देना यार कौन क्या कर रहा है, 100 आदमी मेरे पीछे लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंशाल्लाह मैं लोगों के बीच में और मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ, मुझे अपनी भिवंडी के आवाम में पूरी उम्मीद है, मेरे चेहरे से आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा। रियाज भाई आप लगातार जो है पद यात्रा कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग में घूम रहे, तो आपको क्या लग रहा है, क्या अभी तक के समीकरण निकल गया है, क्या चीजें हैं जो जनता को चाहिए और वो आपकी तरफ जो है आकर्षित होंगे आपकी तरफ? भिवंडी के लोग 75-80 साल से सिर्फ धोखा ही खा रहे हैं सियासतदार से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, लोगों से मिलना पिछले 1-2 महीना हो गया होगा लोगों से मिलते हुए, पहले भी जाते थे अभी रेगुलरली जा रहे, लोगों के अंदर बहुत शफकत और मोहब्बत मिली भाई, और बहुत पुरुमीद अल्लाह ताला उस उम्मीद पे हमको खरा उतारे, बस ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। रियाज भाई आपके बारे में बोला जाता है, जो आपके अपोजिशन वाले वो लोग का कहना है कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करने से क्या आप मतलब एमएलए का इलेक्शन लड़ लोगे क्या? अपोजिशन असल में कोई भी काम होता है तो तकलीफ होती है, हम लोग जब वेस्ट में 2 साल पहले निकले तो हमको ये मालूम पड़ा कि डॉक्यूमेंटेशन का काम, मुसलमान बहुत परेशान है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे पेपर मांगते हो हिलने लगते, हम लोगों ने 10 ऑफिसेस खोल के पहले डॉक्यूमेंटेशन किए। हमारी समाजवादी पार्टी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं है, वहाँ लोगों का इलाज किसी का नहीं हुआ तो उसका इलाज कराया जाता है यहाँ से बम्बई तक लेके फ्री में, मोबाइल क्लिनिक चल रही है,
किसी का पुलिस स्टेशन का कोई मसला आ गया, कोई तकलीफ आराम में उसका किया जाता, किसी का टॉयलेट का मसला है, किसी की बीमारी है, किसी की मैयत है, किसी की शादी है, सारे मसले पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सामाजिक काम में। और डॉक्यूमेंटेशन इसलिए दिक्कत है क्योंकि हम लोगों ने 45,000 जो नाम चढ़ाया ना उसमें परेशान हो गए, अपोजिशन भी परेशान होगी, सब परेशान हो गए। अच्छा, ये कैसे आपके दिमाग में जो है ख्याल आया कि कोई भी वोट मांगते तो मतलब और अलग अलग काम करते, तो ये डॉक्यूमेंटेशन करना ये कहाँ से आपको ख्याल? आपको बताया ना कि इसे देखिए एनआरसी से ये आने वाला ही था, आया था, आने वाले की कोशिश थी, लगन ला रहे तो वो लोग परेशान थे शाहीन बाग में यहाँ, मगर उसके बाद ना लोगों ने धरना आंदोलन बहुत किया, 2 महीना 3 महीना कितने महीना चला लगा, उसके बाद लोग भूल गए। बहुत सारे हमारे दोस्त भी एनआरसी सीए में थे मगर वो भूल गए, मगर हम लोग उस चीज को नहीं भूले और हम लोगों ने तब ख्याल आया कि इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन है, मगर पेपर में तो हम लोग पीछे आए ना डॉक्यूमेंटेशन। रियाज भाई, जैसे महेश छोगले सिटिंग एमएलए रहे 2 बार के, विलास पाटिल है, तो ये लोग के पास आपको पता है कि मतलब वोट बैंक इनका अच्छा खासा है, इनका भी वोट बैंक, तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट फिर भी डिवाइड होंगे और तीसरे को जो है वो? आपको मैं एक बात बताता चलूं, लगभग 1,90,000 के करीब मुस्लिम मतदाता और 1,45,46,000 हिंदू मतदाता हमारे भाई है, 1,90,000 में मैं आपको बताऊं कहां फर्क पड़ेगा, 30-35% वोट भी अगर बढ़ते हैं, बस जिस कैंडिडेट को 65% वोट मिलते हैं वो इलेक्शन जीत रहा है, 60% भी मिले तो भी जीत रहा है। मुस्लिम मुसलमानों को 60% वोट मिलेंगे, हिंदू भाई के 5% मिलेंगे इंशाल्लाह, तो 5,000 तो मिलते ही है ना, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, यादव है हमारे गुप्ता समाज के बहुत सारे लोग, तो 60% वोट पे ही जीत है इंशाल्लाह, एक कैलकुलेशन है आपकी इस इलेक्शन। क्या लग रहा है जीत का समीकरण इस बार क्या होने जा रहा है? इंशाल्लाह हम लोग इलेक्शन जीत रहे, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे भिवंडी की आवाम में, क्योंकि ये इलेक्शन भिवंडी की आवाम लड़ रही है ना कि मैं लड़ रहा हूँ, वोट फॉर भिवंडी, वोट फॉर एजुकेशन, वोट फॉर डेवलपमेंट। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि कल हमने एक वीडियो देखी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिसमें वो बैखल्ला के लोगों से माफी मांग रहे थे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे 2014 में एक कैंडिडेट जो दिया उसको 14 और 19 में जो उन्होंने कैंडिडेट दिया वारिस पठान साहब के लिए बोल रहे थे कि हमसे गलती होगी, अब कि हम अच्छा कैंडिडेट दे रहे हैं फैयाज अहमद को और इनको आप जिताइए। जिस पार्टी का लीडर अपने कैंडिडेट के बारे में ऐसा बोलता है जो भिवंडी लाया गया है, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, क्या चुनाव लड़ेंगे? उनका उनको हाथ नहीं मिलाया, उनको फूल नहीं लिया, उनके बारे में ऐसे बयान दे रहे, वो कैंडिडेट डमी कैंडिडेट है यार, उनको पार्टी ने जिताने के लिए भेजा है कि हराने के लिए भेजा है, समझ में नहीं आ रहा है। रियाज भाई, चुनाव को अभी कुछ दिन तो है, 2 से 4 दिन, हमारे कुछ सवाल होंगे या लोगों के और सवाल होंगे, कमेंट आएंगे वगैरह, तो हम फिर से आएंगे एक बार आपसे सवाल करने, लेकिन आखिर में, हाँ, ये पॉडकास्ट को यही खत्म करते, आखिर में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता से कहना चाहता हूँ कि सड़क के पैसे खाने वाले, गटर के पैसे खाने वाले, पानी के पैसे खाने वाले, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के स्कूल के पैसे खाने वाले, हॉस्पिटल के पैसे खाने वाले, गार्डन के पैसे खाने वाले और पूरे शहर को लूटने वाले इस बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे, होशियार रहिए, अपने बच्चे को चुनिए, अपने सच्चे आदमी को चुनिए जो शहर की तरक्की कर सके, आप बेहतर जानते हैं किसको चुनना है। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।